Welcome students, matter in our surroundings. Today we are going to start the NCERT textual questions. Textual question NCERT के हम शुरू कर रहे हैं. तो NCERT बुक में आपका पेज नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 1 ये है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है. क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर. यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, तो इन एग्जांपल्स में आपको बताना है कि इनमें से मैटर कौन सा है. तो इन एग्जांपल्स में आप वन बाय वन जब स्टडी करोगे तो देखोगे तो उनमें आपको मैटर कंसीडर करना है. तो मैटर होता क्या है, बेसिकली जो विच हैव द ऑक्यूपाई स्पेस एज वेल एज मास इज नोन एज द मैटर. अब इनमें से ऐसे कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो मैटर कंसीडर किए जाएंगे. तो इनमें आप कंसीडर करेंगे सबसे पहले चेयर, उसके बाद एयर, दोनों क्या है, मैटर है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड स्टेट इज अ मैटर ऑफ, दिस इज द एग्जांपल ऑफ गैसियस स्टेट. उसके बाद लव मैटर नहीं है, स्मेल भी मैटर नहीं है, हेट भी मैटर नहीं है. उसके बाद आलमंड्स मैटर है. उसके बाद थॉट भी कोई मैटर नहीं होता है, कोल्ड भी कोई मैटर नहीं होता है. उसके बाद कोल्ड ड्रिंक मैटर है. उसके बाद फाइनली अगर हम बात करें तो ये सभी मैटर्स हैं. एज वेल एज यहाँ पर एक एग्जांपल और रह गया, तो स्मेल ऑफ परफ्यूम दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ ए मैटर. बिकॉज जो परफ्यूम है, परफ्यूम के कुछ पार्टिकल्स होंगे जिससे हमें स्मेल जो है हम उसकी मतलब कंसीडर करेंगे. सो दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ द मैटर. सो यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, तो उसके अंदर आप स्मेल ऑफ परफ्यूम भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है. तो उसके बाद हम इसके आंसर में क्या लिखेंगे, चेयर एयर आलमंड्स कोल्ड ड्रिंक्स आर द मैटर बिकॉज दे ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास.